हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एबिलिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यू डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को लेके। देखो, वर्ल्ड की पहली सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस है, वो आयोजित की गई भी कहाँ पे, केन्या के कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे। देखो केन्या, आप केन्या के बारे में बताइए कि केन्या लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, और यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। यह बेसिकली ऑर्गेनाइज करेगी केन्या, और इसके को होस्ट स्टेट थे जापान और कनाडा, ये ध्यान रखना। यूपीएससी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज ये कर सकती है कि जापान और इंडिया ने इसको को होस्ट किया। देखो ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहली चीज एक यहाँ पे ही आती है हमारे लिए कि भाई ब्लू इकोनॉमी है वो होती क्या है। देखो ब्लू इकोनॉमी ना वो एक बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। जिस तरीके से ब्लू रिवोल्यूशन है, जिसे हम ब्लैक तरीके से नीली क्रांति कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है। नीली क्रांति आपको पता है कि मत्स्य उत्पादन है या फिर जो फिशिंग वगैरह, इन सब से बेसिकली रिलेटेड है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मरीन प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड होती है हमारी ब्लू क्रांति। उसी तरीके से ही ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो ओशियन, मतलब जो हमारे महासागर हैं, पानी है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, उस पानी के ऊपर जो हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो ब्लू इकोनॉमी में है ना क्या क्या इंक्लूड होता है। ब्लू इकोनॉमी में सी रूट भी इंक्लूड हो जाता है, इसके साथ ही हम जो इनलैंड वाटरवे है वो भी इसमें काउंट होते हैं। इसी के साथ हम और बात करें जैसे कि फिशिंग वगैरह हो गया, ये सारा काम भी ब्लू इकोनॉमी में काउंट है, वो होता है। मतलब जिन चीज़ों के लिए हम पानी पे डिपेंड है एक तरीके से, वो सारी चीज़ें ब्लू इकोनॉमी में काउंट है, वो हो जाती हैं। तो आप खुद समझ गए होंगे कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब जो शिप वगैरह चल रहे हैं वो भी बेसिकली इसमें काउंट हो गए। इसके लिए कोस्टल एरिया बनाए जा रहे हैं जिसमें शिपिंग वगैरह की मैपिंग वगैरह वो की जाएगी। इसके साथ ही जैसे ओशन से रिसोर्सेज वगैरह हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा हो, तो वही सारे काम है वो ब्लू इकोनॉमी के पार्ट है, वो हो जाते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज के ऊपर भी मारामारी बढ़ रही है, रिसोर्सों पर भी खिंचातानी चल रही है। और आपको पता है कि काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बेसिकली खाने पीने के लिए ओशंस पे डिपेंड करती हैं। अब अगर वो ओशन को एक्सप्लोर करेंगी या फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो मरीन प्रोडक्ट हैं उनको निकालेंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लू इकोनॉमी है वो खतरे में बढ़ती जा रही है। तो इन सब पे दबाव को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ताकि जो भी सी रूट हैं या फिर जो मरीन प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर हमारा एक आपस में सामंजस्य है वो स्थापित कर सकें। तो इसी के लिए कॉन्फ्रेंस वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली केन्या के कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे इसको पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड में होस्ट है वो किया गया। अब हम बात ये करते हैं कि भाई इंडिया और जो ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या लिंक है। देखो आपको पता है कि इंडिया है वो भी एक्चुअली इंडियन ओशन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात है वो करता है। क्यों? क्योंकि इंडियन सॉरी हमारा जो हिंद महासागर है या फिर इंडियन ओशन है, वहाँ पर इंडिया क्या चाहता है कि इंडियन ओशन जो रिमस ओशन, मतलब कि जैसे ये हमारा इंडिया हो गया और इसके आसपास के जो भी हमारी पड़ोसी कंट्रीज हैं वो बेसिकली इंडियन ओशन के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनको सही ढंग से यूज़ करें, सस्टेनेबल ढंग से। मतलब ऐसा ना हो कि उनको इतना तेज़ी से एक्सप्लोर करें कि आगे आने वाले जनरेशन को यहाँ पर कुछ मिले ही नहीं। हमें इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है ताकि बाकी और लोग हैं, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और सबको इसका इक्वल बेनिफिट है वो मिल सके। तो इसलिए इंडिया भी ओब्वियसली ब्लू इकोनॉमी के लिए काफ़ी मतलब फोकस है वो करता है। और इंडिया ने बेसिकली दो प्रोग्राम भी चलाए थे, एक तो था सागरमाला प्रोजेक्ट और एक है कोस्टल इकोनॉमिक जोन। कोस्टल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे और वहाँ पे ट्रेड को बूस्ट है वो बेसिकली किया जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या है कि जो पोर्ट्स लेड डेवलपमेंट है उसको फोकस किया जाएगा और पोर्टों की हालत सुधारी जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक सर्विस है वो काफ़ी अच्छी हो और हमारे देश में इसका बेनिफिट मिले और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट है उसको भी हमें कहीं ना कहीं गति है वो देश की। तो ये कंप्लीट आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया ब्लू इकोनॉमी के बारे में, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में हम जाना, कोस्टल इकोनॉमिक जोन के बारे में जाना। और हम बात करें फिक्की की। देखो जो फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली फिक्की है वो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि फिक्की के द्वारा क्या है। फिक्की एक देखो जो भी हमारे हम बोल सकते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनका एक ग्रुप है जिन्होंने मिलकर बेसिकली इसको बना रखा है। और वो बेसिकली इसको एक तरह से मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे देश की कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं सारी, उन सबको एक तरह से रिप्रेजेंट या उनके हेड के तौर पर फिक्की है वो काम करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है ERSS के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि
हिमाचल प्रदेश है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने सिंगल इमरजेंसी नंबर है वो लॉन्च किया है ईआरएसएस प्लान के तहत, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। तो अब हम जानेंगे कि क्या तो ये प्रोग्राम है और क्या इसके बेनिफिट है वो होने वाले हैं। देखो, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये प्लान लेके आ गया है, बेसिकली ये पुलिस से कनेक्ट करेगा, अगर कोई फायर अलार्म होता है तो उसके रिलेटेड, या फिर हेल्थ है या फिर कोई और भी हेल्पलाइन है, उन सबको बेसिकली इंक्लूड करेगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में समन्वय भी स्थापित है वो करेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके साथ इसमें एक सूट फीचर भी रखा गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सूट फीचर है ये बेसिकली वुमेन के लिए है, मतलब हमारे देश में जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम होते हैं तो वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड कराया जा सके, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वुमेन हेल्पलाइन ये फीचर है। इसमें होगा क्या, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन में सूट का एक फीचर होगा। उस आउट फीचर में होगा क्या कि अगर वुमेन्स को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी कंफर्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा हो, जैसे कि कोई भी केव वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो और वहाँ से लग रहा हो कि उसे एक्सप्लोइट किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में वो सूट फीचर का या सूट बटन को दबा के और इसका बेनिफिट है वो ले सकती है, ताकि पुलिस वहाँ पर आ जाए और उसको उचित सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये भी ध्यान रखना कि जो सॉर्ट फीचर है वो किस लिए लॉन्च किया गया है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बेसिकली फीचर है वो लॉन्च किया गया है। अब देखो, यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हमें जानने लायक हुए है, निर्भया फंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्भया फंड से 321.69 करोड़ रुपए हैं वो दिए हैं ईआरएसएस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि भाई निर्भया फंड है क्या, हम निर्भया फंड के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, आपको पता है कि दिल्ली में जब निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद निर्भया फंड को बनाया गया था, और इस फंड का मेन मोटो ये है कि वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा है उससे निपटने के लिए जो फंड की जरूरत होगी, जो पैसा चाहिए वो निर्भया फंड से लिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड है वो बनाया था। अब देखो, यहाँ पे अहम बात है कि कौन तो इसको रेगुलेट करता है और कौन इसको एडमिनिस्ट्रेट है वो करता है। तो बेसिकली इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो क्या जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इसके साथ ही इसका जो पैसा है वो कहाँ यूज होता है, वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट पे पैसा है वो लगाया जाता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इसकी नोडल अथॉरिटी है, एक तरीके से रिकनेक्टिंग हम बोलते हैं कि रिकमेंडेशन वगैरह देनी हो, कोई भी प्रपोजल लेके आना हो निर्भया फंड के तहत क्या बनाना है, वो सारे प्रस्ताव वगैरह वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो देखो, यूपीएससी थोड़ा एग्जाम में कन्फ्यूज ऐसे कर सकती है कि निर्भया फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो तो एक नोडल अथॉरिटी है, जो कि रिकमेंडेशन प्रपोजल वगैरह स्कीम वगैरह के लिए एडवाइस है वो देने वाली है, बाकी जो फंड को मैनेज करने का काम है, एडमिशन का काम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा देखा है हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया है वो है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के बारे में, तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, तो एक न्यूज आई थी तो हमने एक बार वापस इसको रिवाइज है वो यहाँ पे कर लेते हैं। बेसिकली मिशन जो यहाँ पे रक्षा ज्ञान शक्ति, इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश की जो भी उपलब्धियाँ, चाहे DRDO हो या फिर DPSUs हैं या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनकी उपलब्धि को ऑल ओवर, मतलब जो हमारे देश के जनता है उसको एक तरीके से बताया जा सके कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ताकि लोगों को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें वो ना हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल आया है वो है इंडियन ओल फेस्टिवल। देखो, इंडियन जो ओल फेस्टिवल है वो इंडिया का पहला ओल फेस्टिवल है, जो कि बेसिकली पुणे के अंदर एक तालुक है जिसका नाम है पुरंदर तालुक, और उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है पिनगोरी गांव। तो उस पिनगोरी गांव में बेसिकली इंडियन ओल फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है। अब देखो, ओल है उसको लेके फेस्टिवल क्यों है आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि देखो जो ओल या जिसे हम उल्लू कहते हैं उसकी काफ़ी स्पीसीज हैं या उसकी काफ़ी सब स्पीसीज हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, और उनका मैक्सिमली यूज होता है, जैसे कि जो काला जादू घराते हैं इस मौके पे उनका एक तरह से बलिद है वो दी जाती है, और उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम है वो होती जा रही है, और इसीलिए लोगों को अवेयरनेस के लिए, अलर्ट करने के लिए ओल फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है। तो यह अपने आप में एक तरीके का पहला फेस्टिवल है इस टाइप का कि किसी पक्षी के लिए स्पेसिफिकली ये फोकस है वो यहाँ पे कर रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वो भी हम देख लेते हैं। यह ऑर्गेनाइज किया गया है इला फाउंडेशन, जो कि एक NGO है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, नेचर एजुकेशन और कंजर्वेशन में बेसिकली NGO फोकस करता है, और इसी के साथ ही ओल कंजर्वेशन पे भी इसका फोकस है वो रहता है। तो यह ध्यान रखनी है कि इंडिया का पहला ओल फेस्टिवल है वो बेसिकली पुणे के अंदर एक तालुक है पुरंदर, उस तालुक में गाँव है पिनगोरी, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बस हाँ पुणे में आयोजित है वो की गई थी,
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिसको सेफ्टी या सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। देखो वर्ल्ड में अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो लगभग 250 के आसपास में वो उल्लू की प्रजाति हैं वो पाई जाती हैं, और उनमें से 70 से 80 के बीच में जो प्रजाति हैं वो बेसिकली इंडिया वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो सब हैं उनको अलग अलग लिस्ट में रखा गया है क्योंकि काफ़ी पे कुछ पे ज़्यादा खतरा है और इसलिए उनको प्रोटेक्शन है वो दी गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। अब जानते हैं हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है क्या। NSDC, देखो NSDC है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहला चीज़ तो फैक्ट ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि NSDC है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसके तहत ही प्रोग्राम है वो स्टार्ट है वो किया गया था। बेसिकली हम बात करें इसे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था 2009 में, तो ये भी ध्यान में रखना है। UPSC थोड़ा कन्फ्यूज ऐसे कर सकती है कि रिसेंटली NSDC को डेवलप है या वो तैयार है वो किया गया था एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो ध्यान में रखना है कि नहीं भाई 2009 में इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली इसको डेवलप है वो किया गया था। काम क्या होगा इसका, काम यह है कि हमारे देश में स्किल मैन पावर है उसको इम्प्रूव करना इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। देखो आप एक चीज़ देखिए, हर कंपनी या हर इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, जैसे मान लो कि टाटा की कंपनी को आप एग्जाम्पल ले लो कि टाटा की कार बनाने की कंपनी है, तो टाटा को कार बनाने के लिए उसी तरह की लेबर चाहिए कि जो कि कार बनाने में दक्ष हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे IT इंजीनियरों की ज़रूरत है, तो मतलब एक टाटा कंपनी की डिमांड कुछ और है और वहीं TCS इन्फोसिस है इनकी डिमांड कुछ और है, इनकी अलग अलग तरह की स्किल की ज़रूरत होती है। तो सेक्टर के अकॉर्डिंग हम स्किल है वो प्रोवाइड करवाएं ताकि लोगों को जॉब में भी दिक्कत ना हो और लोगों की क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था और उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को गति देने के लिए फिर उसको मैनेज करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो बनाया गया था। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसका 20वीं हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी की बात करें तो 49% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और इसी के साथ ही बाकी 51% जो हिस्सेदारी है के पैसों में वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की है, तो यह चीज़ भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इसके साथ ही क्वालिटी एंड जो प्रॉफिट है वोकेशनल इंस्टीट्यूट की उसको मेंटेन है बेसिकली करती है, लोगों को ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जाती है, फंड चाहिए अगर वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट के लिए तो वो इसके द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही स्किल को डेवलप करने के लिए माहौल है, एक मार्केट है वो तैयार किया जाता है। इसका टारगेट ये रखा गया है देखो कि इंडिया है वो 2022 तक लगभग 150 मिलियन लोगों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा स्किल है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये था बेसिकली NSDC के बारे में जो फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना जो कि केन्या में आयोजित है वो की गई थी। इसके बाद हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने निर्भया फंड के बारे में जाना जो कि बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रेगुलेट है वो किया जाता है। इसके साथ ही हमने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के बारे में जाना और इसी के साथ ही इंडियन ऑल फेस्टिवल जो कि इंडिया का पहला किसी उल्लू की प्रजाति को फोकस करते हुए एक फेस्टिवल बनाया गया है कहाँ पे, पुणे के अंदर। इसके साथ ही हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में जाना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।